हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एनपीओ की अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग आज इन ब्रीफिंग देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सुने, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुने और देखे भी सही, ताकि आप लोगों को ये टर्म प्रॉपर याद हो जाए, इसका सही मीनिंग याद हो जाए, सही एप्लीकेशन आप लोगों को याद हो जाए कि इसको कहां किस तरीके से अप्लाई करना है। एनपीओ में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका प्रॉपर मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए, ताकि जब भी अपन एनपीओ के क्वेश्चंस को करें तो उनका सही एप्लीकेशन आप कर सके। सबसे पहले आज इन अकाउंटिंग टर्म्स में हम सब्सक्रिप्शंस को लेकर बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन जो कि एनपीओ का मेन अकाउंटिंग टर्म्स है, सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में ये समझा कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी इनकम का जो मेन आपके कौन सा जो सोर्स है वो है सब्सक्रिप्शंस। ये सब्सक्रिप्शंस इनके मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है, एनुअली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, और यही आपके कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू इनकम है। तो इसके कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, इसको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें किस तरीके से इसको अपन समझेंगे। Subscription is the amount paid by the members of not-for-profit organization periodically, monthly, quarterly, half-yearly, yearly basis. So their membership is not cancelled, so it is a recurring source of revenue from its member. देखो, ये subscription जो है members से regular receive होने वाली कौन सा income है organization के लिए, ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली बेसिस पर भी हो सकती है, और ये रेगुलर इनकम है आपके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप आपके कौन सा कैंसिल ना हो जाए। इसी में अपन नेक्स्ट समझे, इट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। It is the appear on the concept debit side of the receipt and payment account, since account of not-for-profit organization are prepared on the accrual basis, so subscription of current year only, whether received or not, comes on the concept credit side of the income and expenditures account. आपको यहाँ दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि सब्सक्रिप्शन जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव्ड होती है तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हम डेबिट साइड की तरफ लिखते हैं, चाहे ये सब्सक्रिप्शन किसी भी ईयर की हो, पर कैश में रिसीव होनी चाहिए और ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहां आएगी, डेबिट साइड में। पर जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ के, तो उस केस में इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। पर यहां पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है वो भी एक्रूवल बेसिस पर करती है, और एक्रूवल बेसिस का मतलब ये हो गया कि इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में ओनली करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन हमको कौन सा मेंशन करना है, और वो भी कौन सा, चाहे वो कैश में रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, टोटल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा। एक्रूवल बेसिस जब हम आपके कौन सा अप्लाई करते हैं तो उस केस में केवल करंट ईयर की टोटल इनकम हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, और करंट ईयर के टोटल एक्सपेंडिचर्स कहां मेंशन करते हैं, डेबिट साइड में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इस कारण से सब्सक्रिप्शन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के अंदर आएगा तो केवल करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन हम कौन सा मेंशन करेंगे, और टोटल कैलकुलेट करने के लिए चाहे वो कैश में रिसीव्ड हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो,
दोनों ही सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। इसी में नेक्स्ट देखें, सब्सक्रिप्शन को लेकर आपके कुछ एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर्स में आपको देखने मिलेंगे, और सब आपके जो सब्सक्रिप्शन को लेकर जो एडजस्टमेंट्स हैं उनकी दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन टिल एंड ऑफ द ईयर अगर आपको रिसीव्ड ना हो तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहलाता है, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स बन जाएगा। और ये करंट एसेट्स है इसलिए इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और इसके भी आपको दो बैलेंसेस दिए जाएंगे, एक ओपनिंग बैलेंसेस होगा जो कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और एक क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से एडवांस सब्सक्रिप्शंस का मतलब क्या है, अगर करंट ईयर में हमको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो कि अभी ड्यू नहीं हुआ है फिर भी रिसीव हो जाए तो ऐसा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कहलाता है, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ही हमें इस आपके सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट सर्विस आपके कौन सा प्रोवाइड करनी होगी। इस सब्सक्रिप्शन के भी आपको कौन सा बैलेंस मिलेंगे, दो, एक तो ओपनिंग बैलेंस मिलेगा एक क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है जो प्रीवियस ईयर हमको रिसीव्ड हुआ है, और जो क्लोजिंग आपके कौन सा बैलेंस होगा वो करंट ईयर में रिसीव हुआ आपके कौन सा सब्सक्रिप्शन है। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का सिंबल मेंशन किया है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये एडजस्टमेंट्स क्वेश्चंस के अंदर होंगे तो हमें जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना होगा तब ये एडजस्टमेंट्स के अंदर प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। इसको बहुत अच्छे से आप लोग सुन लें, समझ लें, ताकि जब अप्लाई करें तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है ये हमको करंट ईयर में रिसीव हुआ टोटल सब्सक्रिप्शन होता है। इस सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। अब बात समझें यहां पर कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चंस में और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहां पर ये बात समझ लें कि हमको सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो कौन सा रिसीव हुआ है। उसमें पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, हमको रिसीव्ड हुआ है पहले, फिर उसके बाद करंट ईयर का, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर का। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा सब्सक्रिप्शन दिखाना है अपन को, केवल करंट ईयर का। तो अगर आपका आंसर ये आता है कि सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, तो माइनस करेंगे, और जवाब आता है करंट ईयर का तो क्या करेंगे, उसको ऐड। जैसे क्लोजिंग जो सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का है, करंट ईयर का, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ऐसी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल रिसीव हुआ वो कौन से ईयर का है, तो वो उसका जवाब क्या आता है, वो पिछले साल जो रिसीव हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन वो करंट ईयर से रिलेटेड है, इस कारण से उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और जो करंट ईयर में आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, यानी जो एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है ये करंट ईयर में हमको रिसीव हुआ है, बट ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है उसको प्लस करना है, और जो करंट ईयर में रिसीव किया है एडवांस सब्सक्रिप्शन वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, उसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम एडजस्टमेंट्स को करेंगे तब जाके हमको फाइंड आउट होगा करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन।
अब इसको मैंने आपके अकाउंट के रूप में भी फॉर्म आपके दिखाया है और आपको किस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। इनकम स्टेटमेंट को आपके इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का जब एडजस्टमेंट होगा तो आप क्रेडिट साइड में इस तरीके से कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन होगा, सबसे पहले हम उसको यहां पर मेंशन करेंगे। उसमें से सबसे पहले माइनस किया जाएगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है एडिशनल, तो हम प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है वो पूरा का पूरा माइनस करेंगे। पर अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि सर्टन पार्ट ऑफ अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है ओपनिंग, वो आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो उतना ही पार्ट यहां से रिसीव किया जाएगा। एग्जांपल ले लें कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लो 10,000 है और करंट ईयर में केवल 6,000 रिसीव हुआ है, तो उसको यहां पर अपन कितना माइनस करेंगे, ओनली 6,000 माइनस करेंगे। इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिसीव्ड, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है केवल वही यहां से माइनस होगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने प्रीवियस आपके कौन सा अगले सारे वीडियोस में बहुत डिटेलिंग से आप लोगों को बताया है, क्योंकि इसकी वेरियस सिचुएशंस हैं कि कैसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फाउंड आउट करेंगे, वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताए हुए हैं, वहां इन डिटेलिंग बात करेंगे। तो यहां पर ऐड किया जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर ऐड करेंगे इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ था, ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, ये हमने प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था, बट कौन से ईयर से रिलेटेड है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ये हमने कब रिसीव किया है, ये हमने रिसीव किया है करंट ईयर में, पर ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई उसको यहां पर हमने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जो हमारे को कौन सा सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा वो कौन सा होगा, करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन, चाहे हमने रिसीव किया हो चाहे नहीं किया हो, एक्रुअल कॉन्सेप्ट की बेसिस पर हम इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किस प्रकार से इसको मेंशन करें, इन एडजस्टमेंट्स को, वो मैंने आपको बताया है। यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है तो उसको अपन कौन सा एसेट साइड में शो करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है तो उसको कहां पर शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंसेस को कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। बट याद रखें कि जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप करंट ईयर का यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करें, तो वहां पर मैंने ये दो चीजें स्पेशली लिखी हैं कि प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सर्टन पार्ट ही हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, तो रिमेनिंग पार्ट जो स्टिल अभी आउटस्टैंडिंग है उसको भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको मेंशन करना पड़ेगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ, ताकि टोटल पर्टिकुलर डेट को टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है वो हमें फाइंड आउट हो सके। ये प्रैक्टिकल भी अपन समझेंगे आगे वाले कौन सा इलस्ट्रेशन वगैरह में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेजर में अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना पड़े अकाउंट फॉर्मेट के रूप में, तो हम किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, ये देखें जरा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स में मैंने दो ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं, तो इस ओपनिंग बैलेंसेस को मैं आपको बिल्कुल क्लियरिफाई कर दूं। सब्सक्रिप्शन में दो प्रकार के मैंने एडजस्टमेंट्स बताया, एक बताया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक बताया एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट एसेट्स है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो जो सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड में अपन ने मेंशन किया है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, और जो क्रेडिट साइड में शो किया है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि बिजनेस की करंट लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको अपन कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। और इसी का जो क्लोजिंग बैलेंस है हम अपोजिट आपके कौन सा मेंशन करेंगे,
यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के रूप में मेंशन करेंगे और एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के रूप में मेंशन करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहां पर दो आपके कौन सा अकाउंट मेंशन करे हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा तो हम कहां लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की क्या है, रिसिप्ट्स है। तो उसका अपोजिट वर्जन कहां आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है कैश में, वो क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम से। मैंने यहां पर लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में हमने कैश कितना रिसीव किया है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। और डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के नाम से हम वो अमाउंट यहां पर मेंशन करेंगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने जो मेंशन किया है वो कहां आएगा, डेबिट साइड में। ये अकाउंट कब अपने को जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई क्वेश्चंस में एक फिगर इनमें से छह आइटम में से कोई एक चीज गायब कर देगा तो हम आपके ये अकाउंट फॉर्मेट के रूप में भी बनाकर बैलेंसिंग फिगर से वो मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी लेकर मैंने एक क्वेश्चंस आपके कौन सा नेक्स्ट वीडियो में दिया है, तो उसको अपन प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंट फॉर्मेट में, तो उसको चीज को मैंने आपको यहाँ पर इन ब्रीफिंग दी है। अब इसको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के रूप में अपन देखें तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे से समझें ताकि जितना भी मैंने आपको अभी बताया है ये प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर होगा। एक फटाफट एक एग्जाम्पल देखें, डीके गोयल की बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर आपके 6 lakh rupees, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन एज फॉलोज। यानी टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने करंट ईयर में रिसीव किया है वो है 6 lakh rupees का। फिर आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दे रखा है 60,000 का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग करंट ईयर का दे रखा है 40,000 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग दे रखा है बैलेंसेस 32,000 का, और जो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो 38,000 का है। एसर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016 and 2017, यानी करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन अपन को कैलकुलेट करना है। एंड शो हाउ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो सबसे पहले अपन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में लिखाएं क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में किस प्रकार से मेंशन करेंगे, सबसे पहले उस चीज को समझें। सबसे पहले हम मेंशन करें टोटल सब्सक्रिप्शन जो कैश में हमने रिसीव किया है वो कितने रुपए का रिसीव किया है, 6 lakh rupees का। इस टोटल सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन में कोई और एडिशनल हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 60,000 वो फुल्ली हमने करंट ईयर में रिसीव कर दिया है। अगर कोई इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि जितना पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है। दैट्स व्हाई फुल्ली अमाउंट यहां से अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये करंट ईयर से रिलेटेड है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके करंट ईयर की इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में शो करना है, चाहे वो रिसीव हो चाहे नहीं हो। सो क्लोजिंग जो आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है कितने रुपीस का, 40,000 का, वो हमने यहां पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। अब इसी में एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करें कि जो प्रीवियस ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया था 32,000 का, तो वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, वो करंट ईयर से रिलेटेड है। इसलिए आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन का, इसका मतलब यह है कि करंट ईयर में हमने 38,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव किया है, बट ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इसको यहां पर क्या कर दिया, अपन ने माइनस कर दिया। तो ये चारों एडजस्टमेंट को इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा 5,74,000, ये करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन है।
जो कि एक्रूवल बेसिस पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। अब इन चारों एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट में अपन किस प्रकार से मेंशन करें, इसको भी अपन बहुत इजीली तरीके समझ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे इनकम है बिजनेस की, और वो भी कौन सी आउटस्टैंडिंग, तो क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंसेज हम मेंशन करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, और जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो मेंशन किया जाएगा कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 60,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया, क्लोजिंग जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया, प्रीवियस ईयर का जो आपके कौन सा एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, और करंट ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया 38,000 का वो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इसी में फटाफट एक एग्जांपल हम और समझ लें ताकि आपको इस सब्सक्रिप्शंस के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2017। हमने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है करंट ईयर में, 6,50,000 का। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट देखें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है, 20,000। अब यहाँ हमारे को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए है, आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 20,000 का, और हमने करंट ईयर में उसमें से कितना रिसीव किया है, केवल 16,000 का, इसमें 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये एडजस्टमेंट्स करते समय हमको बहुत ध्यान रखना है। सेकंड रखा है कि क्लोजिंग आपके कौन सा बैलेंसेस दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो जब भी ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे, अब इसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से नोट कर लें, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये लैंग्वेज पढ़ने पर ही समझ में आएगा। इसलिए जब भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेकर हम सवाल करें, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से समझना है कि ये पर्टिकुलर करंट ईयर का है, टोटल सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये दोनों चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। अभी सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 and 17, इसका मतलब ये केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 25,000 का, यानी इसमें जो 4,000 स्टिल अभी आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूड नहीं है। अब थर्ड पॉइंट दे रखा है, प्रीवियस ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया, 7,500 का, करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना अपन ने रिसीव किया, 10,000 रिसीव आपके कौन सा रुपीज का। इसके बाद एसर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम From subscription for the year of 2016 and 17, show how the subscription will appear in the balance sheet and opening balance sheet and closing. सबसे पहले हम mention करें income and expenditures account के credit side में जो total subscription हम लोगों ने receive किया है 6,50,000 का, इसमें से हम सबसे पहले minus करेंगे previous year का outstanding subscription, उसमें से वो अमाउंट जो कि हमने करंट ईयर में क्या किया है, रिसीव किया है, और वो अमाउंट कितने रुपीस का है, 16,000 रुपीस का। फिर इसमें एड ऑन किया जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है, 25,000 का, उसको हम एड करेंगे। एड किया जाएगा प्रीवियस ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऐड किया जाएगा। और जो करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया वो कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, इसलिए यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे, तब जाकर जो आपके 6,56,500 का अमाउंट आएगा ये हमारा करंट ईयर का टोटल आपके कौन सा सब्सक्रिप्शन होगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाएंगे। अब जब बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स यहां पर अपन समझ लें कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 20,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना था 7,000। तो ये तो सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 एसेट साइड में, 7,500 किसमें आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। पर जब क्लोजिंग बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तो उसके अंदर
किस प्रकार से मेंशन करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में समझें, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 25,000 और प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना है, 20 में से केवल 16,000 रिसीव किया था तो 4,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग हमारा पेंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आपके स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अपन मेंशन करेंगे 4,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 24 आपके 5,000 टोटल कितना आ जाएगा 29,000 और करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया था 10,000 तो वो कहां आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये एडजस्टमेंट्स हम इस प्रकार से इसको शो करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन को लेकर हम लोगों ने कौन सा बहुत डिटेलिंग से चीजों को समझा है और इसका एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जो भी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको आज यहाँ पर समझाया है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर 2016 and 2017। आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स, हमने कितना रिसीव किया है 50,000 का, मैं हाथों हाथ ये अकाउंट भी आपको मेंशन कर रहा हूं तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया अपन ने दिखा दिया 50,000 का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 20,000 रुपीज का, पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में पॉइंट नंबर 6 भी देखें आप लोग, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर ऑफ 2015 and 2016, यानी जो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था 20,000 उसमें से 1500 रुपए अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब यह हो गया इनडायरेक्टली कि हमने करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है 18,500 रुपीज, यानी 20,000 माइनस स्टिल आउटस्टैंडिंग 1500 रुपए तो रिमेनिंग कितना आएगा 18,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, इसलिए इसको यहां से अपने जो माइनस किया है वो कितना माइनस किया है 18,500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में देखें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कितने रुपीज का है 6,000 का। देखो अब यहां पर इसकी लैंग्वेज समझ लें आप लोग, क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, एज ऑन लिखने का मतलब क्या है पर्टिकुलर डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है क्लोजिंग डेट को 6,000, तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, इसमें प्रीवियस ईयर का जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूडिंग है, तो हमको यहां पर क्या करना है कि 6,000 में से प्रीवियस ईयर का जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसको हम माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से उसको फिर इसके यहां से क्या किया जाएगा ऐड करेंगे। तो हमने जो ऐड किया है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कैसे फाइंड आउट किया, लास्ट डेट को 31 मार्च 2017 को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600 है, इसमें से प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने डिडक्ट किया तो हमको पता पड़ गया कि करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, वो है 4,500 का, उसी को हम यहां पर क्या करेंगे ऐड करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया है 8,000 का कि हमने प्रीवियस ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया था 8,000, ये कौन से ईयर से रिलेटेड है करंट ईयर से रिलेटेड है तो इसको क्या किया जाएगा यहां पर ऐड करेंगे और करंट ईयर में जो हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो कितने रुपीज का है 9,000 का, तो ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है इसलिए इसको माइनस करेंगे तब जाकर टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा हमारे पास कितने रुपीज का 35,000 रुपीज का, ये करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेकर अपन ने आज स्टेटमेंट समझा तो ये बहुत अच्छे से अपन को समझना है कि एज ऑन लिखा हुआ है या आपके पर्टिकुलर ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिखा था 2016-17 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बट यहां पर क्या लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, इसका मतलब पर्टिकुलर डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है ये यहां पर मेंशन किया हुआ है, इसलिए अपन ने स्टिल आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का था उसको माइनस करके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट किया। अब जब इसको बैलेंस शीट में अपन शो करेंगे तो मैं आपको यहीं पर ऐसे ही बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 20,000, तो ये जाएगा एसेट साइड में,
एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना था 8000, ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। अब बात करते हैं अपन कौन सा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो जाएंगे, एक जाएगा करंट ईयर का और एक जाएगा प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 1500 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी अपन ने कितना निकाला 4500, वो मेंशन करना है। और टोटल कितना जाएगा 6000 और करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है अपन ने, वो किया है आपके कौन सा 9000 रुपीज। तो बैलेंस शीट के कहां पर आ जाएगा, लायबिलिटी साइड के अंदर। तो बैलेंस शीट में इस प्रकार से हम कौन सा मेंशन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो में आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन को लेकर जो काफी डिटेल से चीजों को समझा है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। फिर भी इनकमिंग जो आपकी वीडियोस हैं, उन वीडियोस में मैं सब्सक्रिप्शंस को लेकर और 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। इन 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से प्रिपेयर किए गए हैं, क्वेश्चन सब्सक्रिप्शंस को लेकर आएगा। बहुत वेरियस आपके कौन सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरियस पैटर्न्स है, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। वीडियो को वापिस से देखें रिविजन के तौर पर, ताकि कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। थैंक यू।